सकता हूँ और यहाँ से खोलूंगा तो एकदम डाला नीचे आएगा, तो उसकी उसको उस चीज़ को दूर करने के लिए तो यहाँ पर हमने डबल संगल लगाया ताकि आराम से डाला नीचे आ सके। और डाला जब नीचे गिरेगा तो सेफ्टी के लिए यहाँ पर हमने टायर भी लगाए हुए ताकि बम्पर को और डाले को दोनों को कुछ नुकसान ना हो। और इसी प्रकार से जब गाड़ी धक्का वगैरह लगता है गाड़ी को, यहाँ पर हमने चद्दर लगी हुई है 5 mm की, यहाँ पर प्लेट लगी हुई है जेसीबी वगैरह धक्का लगाती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने जेसीबी के सपोर्ट के लिए यहाँ पर चैनर लगाया हुआ है ताकि इस बत्ते की सपोर्ट यहाँ तक जाए, पूरा एक ब्लॉक बनकर गाड़ी को मिले। और चेसिस की सपोर्ट के लिए यहाँ पर हमने बोल्ट भी डाले हुए, जो ओरिजिनल बोल्ट आते हैं वही हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ठीक राइट साइड पर खड़ी है गाड़ी टाटा 4225 BS6 वेरिएंट में, और ये गाड़ी है यूपी की बलिया शहर की। यहाँ पर गाड़ी का नंबर भी आके यहाँ पर देख सकते हो यूपी 6080 6841 गाड़ी का नंबर आया हुआ है। और पूरे काम को आप एक नज़रिए में हम दिखाएंगे क्या क्या काम गिल ट्रक बॉडी के यहाँ पर हुआ हुआ है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम गाड़ी के कैबिन के बात करें, फ्रंट से बात करें, तो जो सबसे मेन पॉइंट आता है जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो एंगल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, 2 सूत मोटे एंगल का स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर लकड़ी की कोटिंग कर उसके बाद फिर चादर, फिर सारा डिज़ाइन बनाया, उसके बाद फिर पेंटिंग काम हुआ हुआ है। सबसे पहले फ्रंट में देखो ऊपर जो बोर्ड बना हुआ है वो सारा ही शीशम का बना हुआ है, यहाँ पर स्टील का भी साथ में यहाँ पर काम हुआ है और लाइट्स का काम अच्छी तरह से यहाँ पर हुआ है, सारा ही स्टील का देख सकते हो आप। नेशनल परमिट, ऑल ओवर इंडिया परमिट, डबल आई कैट्स यहाँ पर आपको साथ में मिलने वाले हैं और स्टील का ये गोला है। और इसमें मेन खास बात है, हमने डैशबोर्ड को बिल्कुल नहीं काटा, जो डैशबोर्ड ओरिजिनल है वही रखा है, उसके ऊपर यहाँ पर 5 इंच का गोला आपको साथ में मिलने वाला है। और मेन बात हैंडल्स देख, तो हैंडमेड हैंडल्स यहाँ पर हमने अपनी तरफ से बनाकर दिए कस्टमर को। और मेन बात वाइपर मशीन किया जाती है, किसी भी गाड़ी में आज तक इस डैशबोर्ड में नीचे वाइपर मशीन नहीं लगी, तो हमने ये सबसे पहले ये मॉडल नीचे फिटिंग का हमने बनाया है। और साथ में यहाँ पर वाटर जेट्स भी यहाँ पर साथ में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हो स्टील खंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो उस पर रेडियम काम अच्छी तरह से यहाँ पर हुआ हुआ है। बाकी जयपुरी स्टैंड उस पर शीशे लगे हुए हैं, वो फ्रंट दिखाते हैं कि अपनी गाड़ी कितनी दूर है दूसरी गाड़ी से। और यहाँ पर पैर बहादुरी बनी हुई है ताकि ऊपर चढ़कर आप शीशों पर कपड़ा वगैरह आगे फ्रंट से आप साफ़ कर सके। और नीचे यहाँ पर देख सकते हो लाइट्स भी दी हुई हैं, कस्टमर की चॉइस हिसाब से यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो और मैट्स आगे की तरफ सारा डेकोरेशन का काम कस्टमर की तरफ से यहाँ पर हुआ हुआ है। बाकी यहाँ पर जो साइड में इंडिकेटर्स दिए हुए हैं ये हमने खुद लगा कर दिए हैं, हेला कंपनी के ओरिजिनल। और अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में देख सकते हो स्टील टूल बॉक्स बना हुआ है और लकड़ी का बना हुआ, उसके ऊपर स्टील की यहाँ पर कोटिंग हुई हुई है। बाकी यहाँ पर देख दो साथ में यहाँ पर सीढ़ी भी बनी हुई है, उस पर पांव रखकर आप ऊपर टूल की तरफ जा सकते हो। और ये सारा स्टील का जो काम हुआ है उसके ऊपर जो अंदर लकड़ी भरी हुई कैबिन में वो बिल्कुल सूखी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, हर एक चीज़ को बारीकी के साथ, कील वगैरह काम बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। यहाँ पर देख दो हर एक काम में आपको स्क्रू का काम मिलेगा और बोल्ट सिस्टम और स्क्रू देख सकते हो आप। और यहाँ पर देख दो बोल्ट सिस्टम ताकि कस्टमर अपने हिसाब से बात को टाइट भी कर सकता है और कील वगैरह उखड़ जाती है, उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं रहती। और दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हो TKU तेल डालने के लिए यहाँ पर हमने स्पेशल बॉक्स बनाया हुआ, नीचे से आसानी नहीं रहती जाने में, यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरी बात ये जो गाड़ी का हमने डैशबोर्ड की सेटिंग की है, पहले ही डैशबोर्ड ऊपर था, मेरे सिर के बल था 6 फीट का था, उसको हमने नीचे डाउन किया है ताकि चढ़ने में आसानी रहे। और दूसरी बात जो हमने फुटस्टेप बनाया है ये भी अपने हिसाब से बनाया है ताकि जब गाड़ी आप यहाँ पर चढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ है और ये चीज़ फुटस्टेप मिलेंगे तो आपको आसानी रहे, किसी बात कोई दिक्कत ना आए, आपको टायर पर चढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इस हिसाब से हम यहाँ पर आपको काम करवा कर देंगे। और कैबिन में देख सकते हो आप यहाँ पर जो कैबिन खिड़की है सबसे मेन पार्ट है, बड़ी खिड़की हम आपको बना कर देंगे। और यहीं पर आपको 3D डिज़ाइन ट्राला, आपको नए लेटेस्ट ट्राले आपको यहाँ पर मिलेंगे, लंबी वाली चाबी वाला लॉक, उसकी 2 चाबी आप यहाँ पर आपको मिलेंगी, और यहाँ पर किचकनी लॉक और इंस्पेक्टर का आपको स्पेशल यहाँ पर स्प्रिंग देख सकते हो, पूरा हैवी लॉक, उसके बाद रेलवे लॉक, और साथ में ही आपको पर्दे यहाँ पर मिलने वाले हैं। और दूसरी बात हम आपको जो कैबिन में हमने इंटीरियर का काम किया है तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आप एक बार लुक देखिए कैबिन में जो हमने काम किया, 5 छत्ता ये कैबिन इस गाड़ी का बना हुआ LED लाइट्स के साथ। और चलिए हम कैबिन का आपको फुल रिव्यू करवाते हैं।
अगर हम गाड़ी के कैबिन के इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही खास इंटीरियर हम इस गाड़ी का आपको साथ में बनाकर देंगे। सीट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर आपको सीट्स मिलेंगी और कैबिन बहुत ही स्पेशियस बनाया हुआ है। तीन बंदे आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, साथ में साइड पिलोज भी हम आपको साथ में बनाकर देंगे। और दूसरी मेन बात, जो ये सीट्स हैं हमने इसकी ऊंचाई है वो उस हिसाब से रखे ताकि यहाँ पर अगर बंदा बैठेगा तो यहाँ पर उसका सिर नहीं लग पाएगा और छत में भी आप आराम से यहाँ पर फिर सकते हैं गाड़ी में। और दूसरी बात, ड्राइवर सीट देख सकते हो आपने, हमने जो बनाई है वो साइड से उभरी हुई बनाई है ताकि जब हम बैठें तो कंफर्टेबिलिटी साइड शोल्डर्स को आराम से मिल सके। और उसी प्रकार से जो बैक रेस्ट है वो देख सकते हो, आराम से आप आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हो। और अगर हम फ्रंट में आगे की बात करें तो हमने जो सबसे मेन बात है, वाइपर मशीन हमने आपको पहले बताया वो नीचे फिट की हुई है, उसका आपको यहाँ पर कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ग्रास की यहाँ पर सारी वैचिंग की हुई है। उसके बाद ये मैग्नेटिक बॉक्सेस जो हमारी खासियत है, हम लगा कर देते हैं हर कस्टमर को पानी पीने के लिए। यहाँ पर ड्राइवर साइड पर ही ग्लास लगाया हुआ है और वहाँ पर सेफ्टी के लिए हमने फायर स्टॉप बॉक्स भी कनेक्टर साइड दिया हुआ है। और मंदिर देख सकते हो आप सामने, भोलेनाथ जी के परिवार का मंदिर और माता रानी जी का मंदिर बना हुआ है। और अगरबत्ती धूपबत्ती करने के लिए यहाँ पर हम गिलास भी बनाया, और ये हमने मंदिर इस हिसाब से बनाया हुआ है ताकि जब ड्राइवर देख रहा है सामने की तरफ और कनेक्टर साइड उसको दिख सके। और ये हमने डाउन नहीं किया, थोड़ा सा हाइट पर रखा है ताकि वो शीशे को आराम से यहाँ पर विजिबिलिटी बनी रहे ड्राइवर को। इस हिसाब से हम मंदिर बनाते हैं, ना कि यहाँ पर हम प्लाई लगा कर एड़ा टेढ़ा बना देते हैं, सिंपल सोवर बनाते हैं ताकि पूरा लॉन्ग लाइफ का काम रहे। और दूसरी तरफ सामने की तरफ हम यहाँ पर आपको शीशे लगाते हैं। ये शीशे का मेन पर्पज़ क्या है, एक तो ये एल्युमिनियम का है, कभी क्रैक नहीं होने वाला इसका फ्रेम। और दूसरी बात, जब आप सामने आपके सूरज है और गाड़ी आप उसके डायरेक्शन में अपोजिट चला रहे हैं तो एक ये सन वाइजर की तौर भी आप यूज़ कर सकते हो और ये आप एडजस्टेबल कर सकते हो। यहाँ पर हमने नट बोल्ट सिस्टम दिया हुआ है, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल आप निभाते हैं। और सभी जो लाइट्स का काम है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सारी कंट्रोल्स आपको यहाँ पर रहती हैं ड्राइवर सीट के बिल्कुल ऊपर, और राइट साइड पर आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं ड्राइवर। अगर हम गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो लेफ्ट साइड पर म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है ताकि अगर ड्राइवर यहां पर चला रहा है तो यहीं पर आपका, जैसे मैं चला रहा हूं गाड़ी और यहीं से बिना देखे वो अपने स्विचेस काम कर सकता है, वॉल्यूम वगैरह कम कर सकता है, गाने नेक्स्ट प्ले और प्रीवियस प्ले कर सकता है। यहीं पर आपको पीछे की तरफ यहाँ पर आपको दो स्पीकर्स मिलने वाले हैं और 8 इंची के। और उसी प्रकार से अगर हम छत की बात करें तो इस गाड़ी की जो छत है वो 5 छत हमने छत बनाई हुई है। डेकोरेशन का काम आप देख सकते हो बारीकी के साथ, LED लाइट्स के अप डाउन यहाँ पर साथ में बनाए, पूरा हैवी काम है ये। और ACP की यहाँ पर शीट्स लगी हुई हैं, 3D डिज़ाइन सरमाइका लगा हुआ है, यहाँ पर आप लाइट्स कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसी हिसाब से यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर आपको बॉक्सेज में लॉक मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप लॉक लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर देख सकते हो आप, हर एक की आपको चाबीज कीज आपको यहाँ पर साथ में मिलने वाली हैं। और पीछे की तरफ देख सकते हो आप यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाया है 5 छत्ता कैबिन का। और नीचे अगर यहाँ पर ये हमने पीछे बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स में आप सामान वगैरह, अपना कीमती सामान भी रख सकते हो, कपड़े वगैरह रख सकते हो, बड़ा बॉक्स है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली सामान रखने में गाड़ी में। और यहाँ पर पीछे की तरफ 3D डिज़ाइन ट्राला बनाया हुआ है, इसके पीछे जो हमने बैक में प्लाई का इस्तेमाल किया है, वाटरप्रूफ प्लाई लगी हुई है। और पीछे की तरफ ये पूरा हैवी रहने वाला है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप यहाँ पर जैसे राड डली हुई है और राड वगैरह आप आराम से यहाँ पर लगाइए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। पाइप वगैरह लगा हुआ है और मजबूती के लिए हमने अपनी तरफ से यहाँ पर पाइप लगाया ताकि कपड़े वगैरह रखने को, सुखाने को आसानी रहे, उस हिसाब से हमने यहाँ पर पाइप लगाया हुआ है। और एक और मेन चीज़, जब गाड़ी यहाँ पर बैठ, बंदे यहाँ पर बैठ जाते हैं, ड्राइवर या कंडक्टर क्लासी, तो जब वो गाड़ी में नहा धोकर तैयार होते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर मिरर्स भी लगाए हैं। दोनों तरफ मिरर्स आपको यहाँ पर साथ में रहने वाले हैं। और मोबाइल चार्जर, ड्राइवर की सबसे फैसिलिटी रहती है मोबाइल चार्ज करने की, मोबाइल चार्जर आपको बिल्कुल साथ में रहेगा। और ये हम बैक में लगाते हैं, फ्रंट में नहीं लगाते। ये इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई मान के चलिए आप गाड़ी में सो रहे हैं और चार्जर आपका लगा हुआ है, सामने आप देख सकते हो, जो चोर आया सामने देख सकता है, और यहीं पर मोबाइल चार्ज आप लगा कर पीछे यहाँ पर रख सकते हो, उसको पता नहीं चलेगा कि मोबाइल आपका यहाँ पर चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्पेस इसलिए हमने यहाँ पर छोड़ देते हैं। और ऑल आउट वगैरह मच्छर को मारने के लिए गाड़ी में यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाती है। और पंखा यहाँ पर आपको साथ में मिलने वाला, और एडजस्टेबल पंखा देख सकते हो आप, यहाँ मर्जी 360 डिग्री आपको पंखा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और गाड़ी की सुंदरता और बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर पर्दे सिस्टम भी किया हुआ है, यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं और उसको आप अनफोल्ड फोल्ड कर सकते हो। और
खिड़कियों की चारों तरफ सेफ्टी के लिए यहाँ पर सेफ्टी ग्लास, डबल सेफ्टी ग्लास हमने लगा कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये हुक सिस्टम, यहाँ पर आपको देख सकते हो लॉक सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहीं पर आप देख सकते हो जो ब्रिक जाली और मोटी जाली के साथ यहाँ पर हमने स्लाइडिंग डोर्स भी बनाए हुए हैं, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, लॉक कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आपने साइड देखनी है तो आप पर्दे को इस हिसाब से आप बांध सकते हो, और साइड व्यू यहाँ पर आपको गाड़ी का बिल्कुल आराम से दिखेगा। और ये था जी पूरा एक कैबिन का रिव्यू। अगर आपको कैबिन का रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको बॉडी के रिव्यू में। अगर हम गाड़ी की बॉडी की बात करें तो बॉडी इस गाड़ी की बहुत ही हैवी बनाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हो जो स्टील लगी है सबसे पहले तो वही मेन आ जाती है, 6 फीट की स्टील लगी हुई है, 10 गेज की, 2.5 mm की यहाँ पर स्टील आपको मिलेगी, सेल की यहाँ पर स्टील और सेल का यहाँ पर आपको एंगल मिलने वाला है। और 5 एंगल हमने साइड पर डबल किए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद जो एंगल की ऊंचाई है वो भी हमने ज़्यादा रखी हुई है ताकि माल ज़्यादा आ सके। 100 टन की कैपेसिटी की गारंटी मैं लेता हूँ इस गाड़ी में, 100 टन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। और बॉडी की पूरी गारंटी मेरी है, 10 साल की बॉडी की गारंटी लेता हूँ और 5 साल की पेंट की गारंटी हमारी रहती है। और यहीं पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने चैनल लगाया ताकि बैक को पूरी सपोर्ट मिल सके, जब गाड़ी खदान में चलती है तो यहाँ पर किसी को दिक्कत ना आने। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा पेज भी है, वो भी आप यूज़ सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर भी हैं, वो भी आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका कहूँगा। और यहाँ पर जो व्हील कैप्स लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, कस्टमर अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हो, उसका एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर रहता है। आयरन के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमर लगवा सकता है। और यहीं पर देख सकते हो जो खिड़की लगी हुई है, हमने दोनों साइड इस गाड़ी में खिड़की रखी हुई है ताकि माल वगैरह उतारने में आसानी रहे। और यहीं पर हमने साइड पार्ट्स भी लगे हुए हैं, यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। और जो स्टील लगी हुई है वो 1 इंच यहाँ पर से नीचे बेंड की हुई है ताकि फर्श की मजबूती बनी रहे। और अंदर से हम आपको दिखाते हैं, अंदर में आपको जो बैक का व्यू है वहाँ पर देखते हो चैनल लगे हुए हैं और 5-5 इंच पर यहाँ पर बोल्ट डाले हुए हैं, साथ में यहाँ पर सीढ़ी भी बनी हुई है और कांटी का डिज़ाइन लगा हुआ साथ में। और फ्लोर देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको 5 mm का चकर प्लेट फर्श मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो और पीछे ऊपर की तरफ यहाँ पर 7 बत्ते आपको लकड़ी के यहाँ पर मिलने वाले हैं। कस्टमर अपने हिसाब से यहाँ पर लोहे के चैनल भी डलवा सकता है। और स्पेयर पाइप और स्पेयर पौड़ी और स्पेयर सरिया आपको यहाँ पर साथ में मिलने वाला है इस गाड़ी में। और यहाँ से देखो आप इसको, जैसे मान चलिए कल को गाड़ी रोड पर चल रही है और ये सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर इसको अंदर भी रखा हुआ ताकि ये बॉडी के अंदर रह सके, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो बैटरीज है BS6 गाड़ी की वो हमने यहाँ पर ही सेट की हुई है, उसको लॉक करने के लिए यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया और साइड से यहाँ पर पूरी कवरेज मिलती है। और यहीं पर DEF टैंक आ जाता है, उसको यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेटर लाइट्स, पार्किंग लाइट्स और ब्रेक लाइट्स आपको साथ में मिलेंगी, गाड़ी के सेंटर में मिलेंगी और पीछे की तरफ भी आपको साथ में रहने वाली हैं। और अगर हम नीचे की बात करें एडुए में, यहाँ पर आप देखो यू बोल्ट का यहाँ पर बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर काम हुआ हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और पीछे भी आप देख सकते हो यू बोल्ट्स लगे हुए हैं, क्लैंपिंग के साथ यहाँ पर सारा काम हुआ हुआ है। यहाँ पर देखो ताना राड का काम भी यहाँ पर साथ में हुआ हुआ है। और दूसरी बात में तो सारा काम गिल ट्रक बॉडी के यहाँ पर हो जाता है। अगर आप कमानी का काम गाड़ी का यहाँ पर करवाना चाहते हैं, जैसे इस गाड़ी की जो कमानी है, दो कमानी ज़्यादा बड़ी हुई है, ये 2 कमानी और ये 2 कमानी, और आगे की तरफ इसने कस्टमर ने 2 गाड़ी कमानी आगे की तरफ बढ़ाई हुई है, ये कस्टमर का काम यहीं पर हो गया, ना कि गाड़ी यहाँ वर्कशॉप से हिली है, यहीं पर सारी गाड़ी तैयार हुई है। और यहाँ पर देख सकते हो पीछे की तरफ यहाँ पर चैनल लगा हुआ है और गाड़ी का नंबर आप देख सकते हो, यहाँ से आप नंबर नोट कर सकते हो। और डाले का व्यू हम आपको दिखाते हैं, डाला जो इस गाड़ी का बनाया हुआ है वो 45 इंच का गाड़ी का डाला बनाया हुआ है, बहुत ही हैवी। और मेन बात आ जाती है 2 इंची एंगल, 2 सूत का एंगल लगा हुआ है, साथ में यहाँ पर 2.5 इंची का साइड एंगल लगा हुआ है, डबल संगल का हमने यहाँ पर काम किया हुआ है ताकि सबसे पहले जैसे मैं खड़ा हूँ अपनी हाइट पर, ये तो मैं संगल आराम से खोल सकता हूँ, वो वाला संगल नहीं खोल सकता मैं अपने हाथ से, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर फुट स्टेप आप यहाँ से चढ़कर, और इसी प्रकार से मैं यहाँ पर इसको खोल सकता हूँ, और यहाँ से खोलूँगा तो एकदम डाला नीचे आएगा, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए तो यहाँ पर हमने डबल संगल लगाया ताकि आराम से डाला नीचे आ सके। और डाला जब नीचे गिरेगा तो सेफ्टी के लिए यहाँ पर हमने टायर भी लगाए हुए ताकि बम्पर को और डाले को दोनों को कुछ नुकसान ना हो। और इसी प्रकार से जब गाड़ी धक्का वगैरह लगता है गाड़ी को, यहाँ पर हमने चद्दर लगी हुई है 5 mm की, यहाँ पर प्लेट लगी हुई है, JCB वगैरह धक्का लगाती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने JCB के सपोर्ट के लिए यहाँ पर चैनल लगाया हुआ है ताकि इस बत्ते की सपोर्ट यहाँ तक जाए, पूरा एक ब्लॉक बनकर गाड़ी को मिले।
और चेसिस की सपोर्ट के लिए यहाँ पर हमने बोल्ट भी डाले हुए, जो ओरिजिनल बोल्ट आते हैं वही हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। बाकी इस गाड़ी में यहाँ पर हमने 5 इंच का चोर डाला भी यहाँ पर साथ में बनाया हुआ है, क्योंकि बालू गिट्टी मोरन पर ये स्पेशल गाड़ी चलनी है। और जो लकड़ी के यहाँ पर एडुए लगे हुए उस पर हमने पत्ती का काम किया, बोल्ट सिस्टम यहाँ पर आपको साथ में यहाँ पर मिलने वाला है। हैवी काम नीचे से ऊपर से लेकर पूरा सपोर्ट काम मिलेगा। ऊपर की तरफ 3 फट्टे स्पेयर फट्टे आपको यहाँ पर हम साथ में बनाए, कस्टमर अपने हिसाब से लकड़ी के भी बना सकता है, लोहे की भी बना सकता है। और दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो जो पीछे में जाली दी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो इजी विजिबल हमने जाली दी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो आराम से यहाँ पर मेरा हाथ भी जा रहा है और फुट स्टेप दोनों तरफ दिए हुए हैं, ताकि सेंसर्स का भी काम बना रहे और कंपनी मेड सेंसर्स फिटिंग है। और यहाँ पर जो सेंटर में सेंसर है उसको भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। और बाकी जो डेकोरेशन का काम मिलता है जैसे प्लेट वगैरह, वो सारा कुछ हम अपनी तरफ से यहाँ पर लगा कर देते हैं। तो दूसरी बात आ जाती है जो मैट्स हैं गाड़ी के, वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि खदान में जब गाड़ी चलती है तो मैट्स वगैरह टूटते ही रहते हैं। यहाँ पर देखते हो एडजस्टेबल मैट्स आपको यहाँ पर साथ में मिलेंगे, आप किस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार बॉडी में भी यहाँ पर भी आपको सेम काम मिलने वाला है। 3M रेडियम क्रॉस देख सकते हो आप साइड से, आप व्यू देख सकते हो गाड़ी में क्रॉस का, रेडियम का क्रॉस भी यहाँ पर साथ में बना हुआ है। और इसी प्रकार से कनेक्टर ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पर खिड़की मिलेगी, माल वगैरह उतारने में आसानी रहे। और डीजल डलवाने के लिए यहाँ पर आपको लॉक का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको साथ में मिलने वाला है। और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको और गाड़ियाँ भी हम दिखाते हैं। ये उड़ीसा की गाड़ियाँ हैं, माइनिंग के लिए स्पेशली गाड़ियाँ हमारे पास उड़ीसा से बनने के लिए आई हुई हैं। और जोड़ा बड़बिल के ये उड़ीसा के शहर की गाड़ियाँ हैं, रणजीत भाई और राजीव भाई की गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर 3 कस्टमर की नई गाड़ियाँ बन रही है, और जो चौथी गाड़ी है वो रिपेयर का काम हुआ है। सारी गाड़ी टोटल बॉडी नई बनी है, इंदौर की बॉडी थी उसको हमने उखाड़ कर सारा ही नया काम किया है, बिल्कुल फ्रेश काम। और काफ़ी हालत ख़राब थी उस गाड़ी की, तो इस गाड़ी का आप रिव्यू देख सकते हो अंदर से। इस गाड़ी में हमने शो पेंट करवाया आगे से, और अंदर में देख सकते हो इस गाड़ी में भी थोड़ा सा सरमाइके का लाइट कलर इस्तेमाल हुआ है। और 3D कैबिन इस गाड़ी का यहाँ पर बना हुआ है गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स के। और अगर आपको इस गाड़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो हमारी ये वर्कशॉप है ये पंजाब में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला सिटी समाना में। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं 9041144223, और आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पर हम तीनों जगह आपको अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे। और चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।